सांड को लाल कलर देखकर गुस्सा क्यों आता है? क्या आपने गेट टू हेल के बारे में सुना है? जिसके पास से अगर कोई निकलता है तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। ये आपको पता है कंस्ट्रक्शन साइट पर हरे कपड़े का ही यूज क्यों होता है? कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिए आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रुक्ट फॉरेस्ट। पोलैंड का क्रुक्ट फॉरेस्ट इस धरती के कुछ रेशमी जंगल में शामिल है और इसकी खासियत है यहाँ के चीड़ के पेड़। यहाँ करीब 400 के करीब पेड़ हैं, जो कि सभी के सभी 90 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए हैं, और ये सारे पेड़ उत्तर की ओर आश्चर्यजनक तरीके से मुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण है, लेकिन कुछ का ऐसा मानना है कि इनका ऐसा घुमाव एलियंस द्वारा किया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। मूवीज में आपने देखा होगा सांड जो होता है वो लाल कलर देखकर भड़क जाता है। कई देशों में ऐसे खेल भी खेले जाते हैं जिसमें सांड को लाल कपड़ा दिखाकर गुस्सा दिलाया जाता है। दरअसल सांड लाल कलर को नहीं, उस कपड़े के हिलाने के तरीके से भड़कता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, सांड जो है वो बाकी जानवरों की तरह कलर ब्लाइंड होता है, मतलब वो कोई कलर देख नहीं सकता, तो भड़कने का तो सवाल ही नहीं है। क्या आपको पता है जुलाई 1954 में जापान के टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड हुआ और उसमें एक ऐसा रहस्यमयी व्यक्ति पाया गया जिसके पासपोर्ट पर ऐसे देश का नाम था जो इस दुनिया में एक्चुअली है ही नहीं, और उसने कहा कि वो यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आया है और वो कई देश घूम चुका है, लेकिन उसके पासपोर्ट पर जो स्टैम्प्स थी, मतलब बाकी देश के जो वीजा की स्टैम्प्स थी, वो सभी की सभी असली थी। तो जो वहाँ के अधिकारी थे एयरपोर्ट के, उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने उसका सामान जब्त कर लिया और पासपोर्ट भी ले लिया और उसको एक हाई सिक्योरिटी रूम में लॉक कर दिया। तो दूसरे दिन जब वो उसको चेक करने गए तो आश्चर्यजनक तरीके से वो इंसान गायब हो गया और एयरपोर्ट से उसका सामान और पासपोर्ट भी गायब हो चुके थे। हैरानी की बात ये थी कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो इंसान कैसे गायब हो गया। ये ऐतिहासिक कुछ वैसी घटनाओं में से एक थी। ये जो पिक्चर इस वक्त आप देख रहे हो, ये एक्चुअली कोई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अवतार या किसी हॉलीवुड मूवी का सेट नहीं है। ये एक्चुअली रियल प्लांट्स हैं, जो कि ईस्ट अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो में पाए गए हैं, जो कि 20 फीट तक ऊंचे होते हैं और बेहद ही यूनिक नजर आते हैं। क्या आपको पता है इस धरती पर बहुत सी रहस्यमयी जगहें हैं जिनको आज तक कोई समझ नहीं पाया है, और उन्हीं में से एक है गेट टू हेल। टर्की के हेरोपोलिस शहर में एक एंशियंट टेम्पल है और इस टेम्पल के गेट के पास अगर कोई इंसान, जानवर या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा भी आ जाए तो वो इस गेट से कभी वापस नहीं लौटता था, जिस वजह से यहाँ के लोग इसे नख का दरवाजा कहने लगे। ऐसी सिचुएशन यहाँ काफी सालों तक रही, लेकिन साइंटिस्ट ने आखिरकार इस रहस्य को सुलझा ही दिया। बता दें कि मंदिर की गुफा में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी मात्रा लगभग 91% है, जिससे कि जो भी यहाँ से गुजरता था वो कभी वापस नहीं लौट पाता था। दोस्तों, कुदरत ने हम सभी को हमारे रंग रूप के सिवा एक जैसा ही बनाया है, पर क्या आपको पता है सन 1889 में इटली के सिसिली आइसलैंड में एक असाधारण बच्चा 3 लैक्स और 2 प्राइवेट पार्ट्स के साथ पैदा हुआ, जिससे कि वो उस टाइम काफी फेमस हुआ और उसने उस समय के लगभग हर बड़े सर्कस में काम किया, और जो उसका तीसरा पैर था वो डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होने की वजह से डॉक्टर्स ने अभी ऑपरेशन से मना कर दिया, क्योंकि इससे वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकता था और दोबारा कभी चल फिर नहीं पाता। फिनियस केज अमेरिका रोलवेट कंस्ट्रक्शन में एक वर्कर था। उसके साथ सितंबर 1848 में एक खतरनाक हादसा हुआ, जिसमें कि काम करते टाइम एक विस्फोट में उसके सिर से 3.5 फीट लंबी लोहे की रॉड आर पार हो गई, जिसमें कि उसके ब्रेन का लेफ्ट पार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गया। हैरानी की बात यह है कि जिसके सिर से 3-4 फीट लंबी रॉड आर पार हो जाए वो जिंदा कैसे बच सकता है, पर वो इस इंसिडेंट के 12 सालों तक जीवित रहा और लास्ट में इसी ब्रेन इंजरी की वजह से उसकी डेथ हो गई। क्या आपको पता है BMW कंपनी, जो कि लग्जरी कार्स बनाने के लिए जानी जाती है, उसने वर्ल्ड की फर्स्ट कलर चेंजिंग कार लॉन्च की, और इसमें उसने जिस तकनीक का यूज किया उसका नाम है ई लिंक डिस्प्ले, और इसको आप 2 अलग अलग कलर व्हाइट और डार्क ग्रे में चेंज कर सकते हो। ये एक एनिमेशन की तरह चेंज होता है जो कि काफी कूल नजर आता है। ये एक शुरुआती टेक्नोलॉजी है जिसमें आने वाले टाइम में काफी बदलाव किए जा सकते हैं। ये एक पेड़ है चेरी का इटली में, और उसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर एक और पेड़ है, लेकिन इसके ऊपर जो पेड़ है वो चेरी का नहीं बल्कि शहतूत का पेड़ है। चेरी के ऊपर चेरी का पेड़ होता तो समझ में आता, लेकिन चेरी के ऊपर शहतूत का पेड़, काफी स्ट्रेंज बात है जिसने कि हर किसी को हैरान कर दिया है कि ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों,
क्या आपको पता है पतंजलि का असली मालिक कौन है? वैसे ज्यादातर लोगों को तो बाबा रामदेव ही लगते होंगे, पर आश्चर्य की बात यह है कि पतंजलि के असली मालिक बाबा रामदेव नहीं, बल्कि पतंजलि के असली मालिक आचार्य बालकृष्ण जी हैं। उनके पास पतंजलि में 94% की हिस्सेदारी है और बाकी की 6% की हिस्सेदारी एक व्यक्ति के पास है। बाबा रामदेव पतंजलि का सिर्फ चेहरा है और उन्हीं की वजह से आज पतंजलि की सालाना कमाई करीब 9,000 करोड़ रुपए है। क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा कीड़ा है जो एक बार आपको मिल जाए तो आपको काफी अमीर बना सकता है? स्टैग बीटल। इसकी कीमत सुनकर चौंक जाओगे आप, 65 लाख से 1 करोड़। ये काफी रेयर स्पीसीज का बीटल है जिससे कि काफी अलग अलग किस्म की दवाई बनाई जाती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, यानी कि जो निर्माणाधीन इमारतें होती हैं, उन पर बाहर की साइड एक ग्रीन कलर का कपड़ा टंगा होता है। ये सवाल आपके मन में तो जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों होता है, यानी कि ग्रीन कलर का ही कपड़ा क्यों टंगा होता है, किसी और कलर का क्यों नहीं। खैर जो भी हो, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल कपड़ा लगाने का एक कारण तो ये है कि जो धूल मिट्टी काम करते टाइम उड़ती है उसको रोकना, और जो मजदूर वहाँ काम करते हैं उनका माइंड डिस्टर्ब ना हो और ज्यादा ऊंचाई की वजह से वो घबराए ना, इसलिए यूज होता है। और ग्रीन कलर इसलिए, ग्रीन कलर जो है वो काफी दूर से ही दिखाई दे जाता है और रात में भी जब कोई लाइट उससे टकराती है तो वो काफी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि जो व्हीकल्स वहाँ से गुजर रहे होते हैं उनको पता चल सके कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बस इसीलिए ग्रीन कलर के कपड़े का यूज किया जाता है। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।